हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जो हमारे टैंक देख रहे हैं, आप ये टर्टल का टैंक है, इसे सफाई करेंगे आज। तो मैं हर 7 दिन में संडे के संडे इसको साफ़ करता हूँ, क्योंकि टर्टल बहुत गंदा करते हैं टैंक। तो आज हम इसकी सफाई करेंगे। इसके लिए पहले इसका ये ढक्कन हटा दें ऊपर का, और इस टर्टल को निकाल के किसी दूसरे टप में या किसी चीज़ में रख दें। तो देख सकते हैं आप टर्टल मेरा, फिर आपको ये अंदर के सब जो अपने डेकोरेशन का या इसके बाथरूम एरिया लगा रखा है उसको हटाना पड़ेगा। इसको निकाल दें और इनको भी आप साफ़ कर लें अच्छे से। हीटर को अनप्लग कर दें और हीटर को निकाल दें। हीटर का ध्यान रखेंगे, अगर थोड़ी देर पहले ही ये बंद हुआ हो तो इसको ना निकालें, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। तो पहले से बंद पड़ा हो तो निकाल दें इसे। वैसे अभी हीटर की ज़रूरत नहीं है, पर हमारे यहाँ अभी रात के टाइम थोड़ी ठंड हो जाती है, इसलिए मैंने हीटर लगा रखा है। हीटर को भी आप इस पानी में साफ़ कर लीजिए थोड़ा। मैंने ये बाहर रख रखा है थोड़ा सा, इससे मतलब बालकनी में रख रखा है इस टैंक को, तो इस कारण से थोड़ा गंदा ज़्यादा होता है, मतलब काई आ जाती है। ऐसे ही गंदा होता है कि इसके अंदर एलगी जमा हो जाती है ज़्यादा, बाकी तो पानी तो इतना गंदा नहीं होता जितना काई के कारण थोड़ा गंदा दिख रहा है टैंक ज़्यादा। अब इसके बाद एक बकेट और एक साइफन पाइप से ही होगा, साइफन पाइप से हम पानी इसका निकाल लेंगे इसके अंदर, और इसको सारी गंदगी इसमें सब कर लेंगे। टर्टल टैंक को साफ़ करना बहुत ही आसान होता है, पर बस ये है इसको थोड़ा फ्रीक्वेंटली हमें साफ़ करना पड़ता है, हर 7-8 दिन में, क्योंकि टर्टल थोड़ी गंदगी ज़्यादा करते हैं इसलिए। या तो आप अगर फिल्टर लगा के रखें, पर फिल्टर भी लगाएंगे तो पानी में स्मेल काफ़ी ज़्यादा रह ही जाती है। फ़िल्टर मैंने पहले ट्राई कर रखा है, तो फ़िल्टर ख़राब हो गया था, तो फिर इसलिए मैंने हटा दिया। आपको बस ऐसे साइफन पाइप से सारा पानी और बकेट में ले लेना है और उसको बाहर डाल देना है। टर्टल के अंदर कोई बेनिफिशियल बैक्टीरिया का ऐसा कोई परेशानी नहीं होती है, तो इसलिए आप पूरा पानी चेंज कर सकते हैं इसको। बल्कि ज़्यादा जितना फ्रेश पानी मिलता है उतना सही रहता है, बस केवल टेम्परेचर का थोड़ा सा रहता है, पर इतना प्रॉब्लम नहीं है टर्टल में जितना कि फिशेज़ वगैरह में रहती है। फिश का अगर आप टैंक साफ़ करते हैं तो उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया वगैरह होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम पूरा पानी साफ़ नहीं कर पाते एक्वेरियम का, तो जो फिश एक्वेरियम होता है। और टर्टल वाले एक्वेरियम में अपन पूरा पानी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि टर्टल इसी पानी में अपनी पॉटी भी करता है और ये टॉयलेट भी करता है और वो पीता भी है इस पानी को, तो इसलिए ये रेगुलर बेसिस पे साफ़ रहेगा। तो जितना ये साफ़ रहेगा उतना ही आपका टर्टल हेल्दी रहेगा। ऐसे करके 3-4 बार मेरे को इसे साफ़ करना पड़ेगा, अगर एक बार में पूरा पानी नहीं जाएगा। ये देखिए आप कितना गंदा पानी है इसमें, देखिए कितना गंदा पानी हो रखा है ये। टर्टल का टैंक साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप संडे के संडे रेगुलर बेसिस पे इसे साफ़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आप इसे बस पानी चेंज करने का रहता है।
ये मेरा बालकनी में रखा हुआ है, टैंक इस बीच में थोड़ी काई ज़्यादा आती है, इसमें एलगी जमा हो जाती है ज़्यादा, इस कारण से थोड़ा ये ग्रीनिश ज़्यादा दिखता है टैंक। पर बालकनी में रखने से ये फ़ायदा रहता है कि आपको लाइट का इतना वो नहीं रहता है। पर बालकनी में रखें तो ये ध्यान रखें कि उसका जो ढक्कन लगा हुआ होता है टैंक के ऊपर वो प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो या फिर आपका अगर टर्टल का टैंक साइज़ बड़ा है टर्टल का खुद का तो कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं तो चिड़िया वगैरह जो होती है वो उठा के ले जा सकती है, कौवे वगैरह कोई हो, इसलिए इसे बाहर रखने से पहले ये ध्यान रखें कि इसको ढक के रखना पड़ेगा। बाहर रखने से ये होता है कि भाई टर्टल को रेगुलर टाइम का पता थोड़ा सा ऐसे रहता है कि भाई सुबह शाम कब कब हो रही, नहीं तो अपन नीचे रखते हैं जब तो बस दिन भर लाइट जलती रहती है, अंधेरे में उसको इतना कुछ पता भी नहीं चलता, तो थोड़ा हैप्पी फील नहीं करता है ऐसे बाहर रहता है। तो जब से मैंने इसे टर्टल को बाहर रखा है जब से ये थोड़ा एक्टिव भी ज़्यादा है। पानी चेंज करके आपको थोड़ा स्पंज से इसे साफ करना होगा, जो भी मैं आपको करके बताता हूँ, स्पंज से या किसी कपड़े से आप इसे अंदर जो इसकी एलगी है उसको साफ़ कर सकते हैं, हाथ से भी साफ़ कर सकते हैं अगर आप कर सकते हो तो। अभी दूसरी बार में आप देख सकते हो इतना गंदा पानी नहीं निकला, ये देखिए दूसरी बार में थोड़ा पानी साफ़ है, वो फर्स्ट टाइम ज़्यादा गंदा पानी निकलता है। अब हमारे ये थोड़ा सा पानी बच गया है तो इसमें पहले हम एलगी वगैरह को हाथ से साफ़ कर लेते हैं, या आप चाहें तो वो स्पंज ले सकते हैं, अभी मेरे पास स्पंज नहीं है तो मैं हाथ से साफ़ करके बता देता हूँ। एलगी से कांच पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, आराम से एलगी साफ़ हो जाती है हाथ से। ये देखिए मैंने सारी एलगी साफ़ कर ली है, अब फिर बाद में जब पूरा पानी निकल जाएगा तो एक बार कपड़े से पोंछ देंगे जिससे और ज़्यादा सही से साफ़ हो जाएगी। लास्ट में जब पानी निकालें तो थोड़ा टैंक को टेढ़ा कर लें, इससे पूरा पानी अच्छे से साफ हो जाएगा। पूरा पानी साफ़ हो गया है इसके अंदर, अब इसको बस केवल थोड़ा सा इसको टैंक को रखते हुए ध्यान रखें इधर उधर टकरा नहीं जाए तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है।
अब इस पानी को फेंक देंगे हम, दूसरा भर के लाएंगे फिर। दूसरा पानी डालने से पहले हम एक ऐसे कोई भी गंदा सा कपड़ा ले लेंगे कोई, जो वेस्ट हो उससे हम इसे साफ कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो पानी के छीके वगैरह है वो सब साफ कर देंगे। तो ये टैंक एकदम साफ दिखेगा। देखिए पूरा टैंक साफ हो गया। अब इसमें हम नया पानी डाल देंगे वापस। थोड़ी वीडियो जरूर लंबी हो जाएगी, पर मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ पानी चेंज करने की। तो अब मैं बस पानी भर देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे ये देख सकते हैं आप, पानी भर चुका है। अब इसके अंदर हम हमारे बास्किंग एरिया और हीटर वगैरह फिट कर देंगे वापस। बास्किंग एरिया हीटर वापस हम लगा देंगे इसके अंदर। और आप देख सकते हैं कि आसानी से कितना जल्दी टैंक साफ हो गया है। टर्टल के टैंक को साफ करना है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपको ग्रेवल कभी नहीं डालना है टर्टल के टैंक में, क्योंकि टर्टल गंदगी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर आप ग्रेवल डालेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी सफाई वगैरह करने में। तो फिर आप इस हॉबी को क्विट कर दें, तो इससे बढ़िया है कि आप इसमें ग्रेवल नहीं डालें और टर्टल की वजह से फिर ग्रेवल की ज़रूरत होती नहीं है। पानी भरने के लिए एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा ये एक ये जो लेवल के लिए मैंने इंडिकेटर के तौर पर यहाँ पर टेप लगा रखी, तो इस टेप को लगा के रखना है, ताकि जब भी आप पानी डालें तो बस इसी लेवल तक डालें, और जैसे ही कम हो जाए तो वापस यहाँ पे इसको रिफिल कर दें। इससे ये होगा कि आपके जो टैंक, ये जो टैंक के ऊपर स्टेन आ जाता है, वाटर स्टेन हो जाती है, जो सॉलिड जमा हो जाते हैं, तो वो केवल एक ही एरिया में रहेंगे, एक लाइन के रूप में ही रहेंगे, पूरे टैंक में नहीं होंगे, नहीं तो वो पूरा टैंक ख़राब कर देते हैं इससे, और वो बहुत गंदा दिखता है। तो अब हम इसमें वापस अपना टर्टल डाल देंगे। हाँ टर्टल देख सकते हैं, ये छोटा सा मैं बेबी लेके आया था, जो सब जगह मिलता है, जैसे नॉर्मल साइज का जो बेबी होता है वैसा ही ये लेके आया था मैं। आप ये देख सकते हैं मेरे टर्टल, इसमें हम छोड़ देंगे और इसका जो कवर है ये वापस लगा देंगे। आप देख सकते हैं अभी कितना साफ दिख रहा है, पहले कितना गंदा था और अब कितना साफ लग रहा है एकदम देखने में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी आपको एक्वेरियम से रिलेटेड बहुत सी वीडियो मैं डालता रहता हूँ। तो और भी अगर आपको वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।